खाद्य सेफ्टी की दृष्टि से किचन का फायर एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई, जिससे किसी भी तरह की कोई दुर्घटना की संभावना न रहे। वही मौके पर महापौर के साथ चेयरमैन लाइसेंस कमेटी, चेयरमैन रमेश चंद सैनी और उपायुक्त मालवीय नगर जोन उपायुक्त स्वास्थ्य और मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी साथ रहे। और लाइसेंस को भी चेक किया है। हम किचन में जाके आए तो वहाँ पर जो सामान था, खुला हुआ सामान पड़ा हुआ था और जो मटेरियल रखे हुए हैं लिक्विड मटेरियल्स में है, उनमें एक्सपायरी डेट का कहीं भी जिक्र नहीं है। अभी ये हमारी हेल्थ ऑफिसर आई हुई है, हेल्थ कमिश्नर आए हुए हैं, अभी इनको हम नोटिस दे रहे हैं और जिस तरह की जो व्यवस्थाएँ उनमें और सुधार के भी इनको आदेश दिए गए। जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत मौके पर आयोजित किए जा रहे शिविर में शनिवार को 231 पट्टे जारी किए। वहीं अपने घर का पट्टे को लेकर लोगों को उत्साह दिखा। साथ ही जेडीए के द्वारा बुजुर्ग महिला को घर जाकर पट्टा दिया गया। जेडीए सचिव अधेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री की वंशानुरूप जेडीए द्वारा 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ से प्रशासन शहरों के संग अभियान के सफल आयोजन एवं आम जन को अधिक से अधिक पट्टे दिए जाने के लक्ष्य के साथ शिविरों का आयोजन निरंतर रूप से कर रहा है। खबर रामगढ़ के पचवारा थाने से है, जहां डीएपी खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। महज एक कट्टे के लिए किसान अपना सारा काम छोड़कर सुबह से शाम तक लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। किसान खाद के लिए रोज विक्रेताओं की दुकानों और सोसाइटी पर चक्कर लगा रहे हैं। कृषि अधिकारी भूरा राम जाट ने बताया कि 600 डीएपी खाद के बैग अलग अलग विक्रेताओं की दुकानों पर आए थे। किसानों को भीड़ को देखते हुए बांटना मुश्किल था, इसलिए एसडीएम और पुलिस प्रशासन की सहायता से रामगढ़ पचवारा थाने में किसानों की लाइन लगाकर खाद वितरित की गई। आज डीएपी के रामगढ़ में 3 डीलरों के पास 600 बैग आए और इनको हम आधार कार्ड और नेट की जमाबंदी से वितरण करवा रहे हैं। कहाँ वितरित किया जा रहा है? पुलिस थाने के अंदर रामगढ़ पचवारा। डीएपी के बैग कहाँ रखे हैं? डीएपी के बैग इनके गोदाम पे हैं, वहाँ पे इनके जो है मालिक वो दे रहे हैं, यहाँ से कूपन काट करके किसान को दे रहे हैं। खबर धौलपुर से, जहाँ बाल कल्याण समिति उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति और प्रांत सेटर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नशा मुक्ति पर जोर दिया गया। नशा मुक्ति एक ऐसा अभिशाप है जो स्वयं ही नहीं समाज की भी क्षति करता है। उसी क्रम में मीरा अवस्थी एडीजी मैडम ने नशा मुक्ति को रोकने के लिए लोगों से अपील की। नमस्कार, मेरा नाम देविका है, देवेंद्र एस मंगला मुखी। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं एक ट्रांसजेंडर और महिला अधिकार समाज सेवी हूं और मैं धौलपुर राजस्थान से हूं। आज हमने राजस्थान बाल कल्याण समिति उदयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर और समानता का सम्मान फाउंडेशन, जो मेरी संस्था है, इसके संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास और ट्रांसजेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें 50-70 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां सरकारी स्कूल में एक बच्चे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। स्कूल के शारीरिक शिक्षक ने बच्चे के साथ जमकर मारपीट की। परिजनों ने मारपीट के साथ गाली गलौज का भी आरोप लगाया है। इस संबंध में बुहाना थाने में शारीरिक शिक्षक सूरज भान के खिलाफ बच्चे से मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब बच्चे से मारपीट हो रही थी तो शिक्षक से पूछा गया तो उसने परिजनों को भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। टूट गया से सर, मेरी गलती भी नहीं थी, उस लड़के ने झूठे साथ इल्जाम लगा दिए मेरे को। सरों ने मुर्गा बना के कमरे के अंदर बंद करके मारा। 10 नंबर कक्षा कक्ष है जो, उसके अंदर बंद करके 3-4 डंडे टूट गए थे, मोटे मोटे डंडे। टूटने के बाद या पर के मेरे दुख मारे हैं, मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और यहाँ पे दर्द है। मैंने कहा सर छोड़ दो, यहाँ पे देखो मेरी आंगड़ी भी टूट गई। सरों ने उसको तो कुछ ही ना कहा और मेरे को बहुत जोर से पीटा। खबर भोपाल से है, जहाँ जारी उपचुनाव के मतदान